हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म सेट्स में सीख लिया था। आज हम देखेंगे सम टर्म्स रिलेटेड टू सेट्स। आइए देखते हैं। तो आज हम कवर करेंगे सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू सेट्स। जिसमें सबसे पहला एक छोटा सा टॉपिक है, इसको मैं क्वेश्चन की हेल्प से बताऊंगा। जैसे तुम्हें एक सेट दे रखा है ए 1 2 3 4 5, इसमें कुछ पांच एलिमेंट्स दे रखे हैं, ठीक है, या पांच मेंबर्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5। तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स करो, फर्स्ट वन और ए दे रखा है, बीच में हमें सिंबल लगाना है। अब वो सिंबल क्या लगाना है वो मैं बताऊँगा तुम्हें। नेक्स्ट दे रखा है 6, फिल इन द ब्लैंक्स ए, थर्ड 8 डैश ए, देन 10 डैश ए, ठीक है, या इसे 2 बना लेते हैं, 2 बना लिया। अब करना क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। इनका क्या मीनिंग है, देखो ये दो सिंबल होते हैं, इसको बोलते हैं हम बिलोंग्स टू और इसको बोलते हैं हम डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। इनको इसलिए बनाया गया था सेट नोटेशन में ताकि हम ये स्पेसिफाई कर पाए कि क्या ये मेंबर या एलिमेंट जो हम अलग से क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो ए में है या नहीं। तो ये इस क्वेश्चन में ऐसे पूछा गया कि क्या 1 ए में है या नहीं है, तो 1 ऑब्वियसली ए में है, इसलिए हम लगाएंगे यहाँ पे बिलोंग्स टू, कि 1 इज बिलोंगिंग टू ए, 1 इज इन ए, ठीक है। ऐसे 6 के बारे में देखें तो 6 इज नॉट इन ए, 6 उसमें नहीं है, तो 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यही साइन बनाएंगे, इसको क्रॉस कर देंगे। सेम वे में 8 को देखेंगे, 8 भी उसमें नहीं है, तो कितना आएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू, और 2 उसमें है इसलिए आ जाएगा बिलोंग्स टू। तो बस इतनी सी बात याद रखनी है कि अगर कोई एलिमेंट सेट में आ रहा है तो नंबर आएगा क्या, सिंबल आएगा बिलोंग्स टू या फिर आएगा डज नॉट बिलोंग्स टू। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो है एम्प्टी सेट। इसमें नाम से पता चल रहा है, अ सेट विच इज एम्प्टी, अ सेट विच हैज नो एलिमेंट या नो मेंबर इन इट, अ सेट विच हैज नो एलिमेंट इन इट, ठीक है, डिनोटेड बाय ये कर्ली ब्रैकेट्स बनाओ हमेशा की तरह जैसे हम सेट के लिए बनाते हैं, और उसको खाली छोड़ दो बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, या फिर ये थोड़ा सा अजीब लग रहा था, इसको एक और सिंबल दिया, वो है फाई, इसे फाई बोलते हैं, ठीक है, फाई हम PHI कभी लिखेंगे नहीं, बस ये सिंबल बना देंगे, जब भी एम्प्टी सेट की बात होगी हम ये फाई बना देंगे, ठीक है, इसे फाई बोलते हैं। तो दोनों अपने आप में ही एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, तो एक ही टाइम पे हम कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं, दोनों का सेम मीनिंग होगा, ठीक है, ऐसे नहीं कि यही बनाना है या फिर ये बनाना है, दोनों इक्विवेलेंट है, कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ये आएगा कैसे। जैसे हमसे पूछा जाए x such that x belongs to natural number where x is greater than 2 but less than 3, x जो नंबर है हमारा वो 2 से बड़ा होना चाहिए, 3 से छोटा होना चाहिए और नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, तो 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आता है, कभी नहीं आता, तो इसका आंसर क्या आएगा, कुछ हो ही नहीं सकता पॉसिबल, इसलिए 5, या फिर ये बना दो कर्ली ब्रैकेट खाली। इस तरीके से इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, x such that x is equal to या belongs to real number where x is not equal to x, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, x such that x belongs to real number, कोई भी रियल नंबर ले लो, ठीक है, जिसमें कंडीशन ये ट्रू होनी चाहिए कि x इज नॉट इक्वल टू x, मतलब x अपने आप के बराबर नहीं है, ठीक है, तो क्या कोई नंबर अपने आप के बराबर नहीं होगा, तो इसलिए इसका आंसर भी क्या होगा, 5। तो इस तरीके से एंडलेस एग्जांपल्स हैं, ठीक है, हमारे एम्प्टी सेट के लिए, कि जिसका कोई आंसर ना आए उसके लिए हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम, x such that x belongs to real number, x is less than minus 3 and x is greater than 4। इस लाइन का क्या मतलब है, x such that x belongs to real number मतलब x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है पॉसिबल, और वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो माइनस 3 से छोटी होनी चाहिए और 4 से बड़ी होनी चाहिए एक ही टाइम पे। इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे माइनस 3 लिखा है पहले ये लिख लिया और 4 लिखा है यहाँ लिख दिया, अब वो कह रहे हैं कि माइनस 3 से छोटी होनी चाहिए और 4 से बड़ी होनी चाहिए,
क्या कोई भी नंबर दो जगह एक साथ पॉसिबल हो सकता है? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? इनवैलिड है, इसका कोई आंसर पॉसिबल हो ही नहीं सकता, इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा? 5, या फिर खाली कर्ली ब्रैकेट बना दो। इस तरीके से हमारी एम्प्टी सेट के एग्जांपल्स होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे सिंगलटन सेट। नेक्स्ट काफ़ी शॉर्ट सा टॉपिक है, सिंगलटन सेट, नाम से पता चल रहा है, अ सेट विच हैज सिंगल एलिमेंट इन इट, अ सेट विच हैज सिंगल एलिमेंट इन इट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट, अ सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट प्रेजेंट इन इट उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि एक सेट दे रखा है, उसमें एक सिंगल एलिमेंट हमें 5 दे रखा है, तो बिल्कुल एक सिंगल वैल्यू है, तो इसे बोलेंगे हम सिंगलटन सेट। बस एक टर्म का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है? तो ये घुमा फिरा के हमें क्वेश्चन में दे देते हैं और हमें कन्फ्यूज नहीं होना है। जैसे कर्ली ब्रैकेट में 0 दे दिया, अब ज़्यादातर बच्चे ये समझते हैं कि ये सिंगलटन सेट नहीं है, क्योंकि अंदर कोई एलिमेंट थोड़ी है, ये तो खाली है, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। ऐसा कहना गलत है। देखो, ये सिंगलटन सेट इस केस में नहीं कहलाएगा, यहाँ पे मैंने बिल्कुल खाली छोड़ दिया है, ठीक है? इसको बोला था हमने अभी इससे पहले एम्प्टी सेट। तो ये है हमारा एम्प्टी सेट। तो ज़ीरो भी तो एक नंबर होता है, ज़ीरो हैज़ अ वैल्यू, या ज़ीरो एक मेंबर है, ज़ीरो एक एलिमेंट है, अगर उसको डाल दिया तो ये भी एक सिंगलटन सेट होगा, या फिर इसे हम नॉन एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं। अब ये नॉन एम्प्टी सेट कहाँ से आ गया? देखो, अगर बिल्कुल खाली है तो एम्प्टी सेट, अगर खाली नहीं है तो नॉन एम्प्टी सेट, इस तरीके से भी याद रखना है, और ये सिंगलटन सेट भी है, तो ये गलती हमें नहीं करनी है, ठीक है? तो ये तो होगा इसके स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल। नेक्स्ट देखते हैं, अगर स्टेटमेंट दे रखी है तो हम क्या करेंगे? एक्स एज दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 6। एक्स की वैल्यू 4 और 6 के, 4 से बड़ी और 6 से छोटी होनी चाहिए, मतलब इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, और नेचुरल नंबर होनी चाहिए। इसका मतलब आंसर क्या आएगा कि 4 और 6 के बीच में एक ही नेचुरल नंबर होता है, 5। इस तरीके से हमें डील करना है। नेक्स्ट, x सच दैट x बिलोंग्स टू, फिर से नेचुरल नंबर ले लेते हैं, वेयर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब हमें पता है, ऐसा क्वेश्चन शायद हमने पहले भी करा हो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स को अगर हम सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तो दो आंसर आ रहे हैं, 0 और 1, पर मैंने क्या बोला है? नेचुरल नंबर, तो इसीलिए खाली आएगा 1, और दिस इज ऑल्सो सिंगलटन सेट। पर अगर मैं नेचुरल की जगह यहाँ पे इंटीजर कर देता, जेड लिखूँ या आई लिखूँ, दोनों इंटीजर होते हैं, तो आंसर दोनों आते और फिर ये सिंगलटन सेट नहीं होता। तो हमारे पेपर में क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है कि बस ये बता दो कि क्या ये जो हमने तुम्हें सेट बिल्डर फॉर्म दिए, इसका आंसर सिंगलटन सेट होगा या नहीं होगा। तो हमें पूरा सॉल्व करके इस तरीके से बताना है कि सिंगलटन सेट होगा या नहीं होगा। अगर नेचुरल नंबर लिखा है तो डेफिनेटली होगा, और अगर जेड लिख दिया तो दोनों आंसर पॉसिबल है, 0 और 1, क्योंकि दोनों इंटीजर होते हैं, इसलिए ये सिंगलटन सेट अब नहीं होगा, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं हम इक्वल सेट्स पे। इक्वल सेट्स, इसके भी नाम से पता चल रहा है, सेट्स विच आर इक्वल। अब इक्वल की कंडीशन क्या क्या होगी, बस वो हमें ध्यान रखना है। तो इसको डायरेक्टली क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक सेट हमें दे रखा है 1 2 3 4, और बी हमें दे रखा है 1 2 3 4, बिल्कुल सेम लिया है, ठीक है? तो इक्वल सेट्स की कंडीशन ये होती है कि दो सेट्स, अब ये पूछा जाएगा कि ए और बी आपस में इक्वल है या नहीं है, तो हमें ऐसे बताना होता है कि ए इज इक्वल टू बी और नॉट। अगर ए इज इक्वल टू बी है तो ऐसे लिख देंगे, या फिर इस पर क्रॉस मार देंगे। कंडीशन क्या है ये सुनते हैं पहले। देखो, इक्वल सेट्स की कंडीशन ये है कि सारे एलिमेंट्स जो ए में है बिल्कुल डिट्टो सेम वही बी में होने चाहिए, और जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में है वही उतने ही बी में होने चाहिए। जब पहली वाली कंडीशन ट्रू होगी तो सेकंड वाली कंडीशन अपने आप ही ट्रू हो जाएगी, क्योंकि अगर सारे एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम ही होंगे। इसका मतलब सारे एलिमेंट डिट्टो सेम होने चाहिए, बस बात खत्म। तो यहाँ पे अगर हम देखें 1 2 3 4 1 2 3 4, देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी। इसका मतलब अगर हमारे पास कभी लिखा हो ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, और बी में लिखा हो ए बी सी डी ई, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 5। इसमें भी कितने एलिमेंट्स हैं? 5, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल अंदर डिट्टो सेम होने चाहिए थे। इस केस में ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है? एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, और बी इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। अब एक एलिमेंट के मिसिंग होने से
ये फिर से अनइक्वल सेट्स बन जाएंगे, इसलिए ए इज नॉट इक्वल टू बी। अब ऐसे तुम्हें कोई भी रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर कुछ भी मिल सकता है और पूछेंगे इक्वल है या नहीं है, तो बिल्कुल तुम उसका आंसर लिखो रोस्टर फॉर्म में, कंपेयर करो कि बिल्कुल डिटो सेम है या नहीं है, तो फिर इक्वल टू या नॉट इक्वल टू का साइन लगा दो, ठीक है। अब इससे मिलता जुलता एक और है हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म, वो है इक्विवेलेंट सेट्स। ज़्यादातर बच्चे इन दोनों में हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं, उल्टा पुल्टा कर देते हैं सब कुछ, ठीक है, देखने में सुनने में सब सेम ही लग रहे हैं। तो इक्विवेलेंट सेट्स का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स आर सेम, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इसलिए इक्विवेलेंट, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सेट्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ए के अंदर क्या एलिमेंट है, बी के अंदर क्या एलिमेंट है, बस नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों के सेम होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को ले लेता हूँ, कितने एलिमेंट थे इसमें, 5, तो इस वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 5 दे रखा है, ए के अंदर 5 एलिमेंट है, तो ऐसे लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 5 और बी के अंदर भी 5 एलिमेंट्स है, और दोनों के सेम होने से ये दोनों सेट्स क्या बन गए, इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट सेट्स हैं पर इक्वल सेट्स नहीं है, ठीक है, नॉट इक्वल सेट्स बट इक्विवेलेंट सेट्स। तो ऐसे एंडलेस एग्जांपल इसमें पॉसिबल हो सकते हैं जैसे इसमें पॉसिबल है, ठीक है। एक और चीज, जैसे जो सेट्स इक्वल होंगे हमेशा वो इक्विवेलेंट भी हमेशा होंगे, इसमें भी 4 एलिमेंट्स है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, और दोनों के दोनों सेम डिट्टो भी थे, इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो जो भी सेट्स इक्वल होंगे वो इक्विवेलेंट जरूर होंगे, पर वाइस वर्सा ट्रू नहीं है, पर जो सेट्स इक्विवेलेंट होंगे तो जरूरी नहीं है कि वो इक्वल होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो इस बात का हमेशा हमें ध्यान रखना है, बस इन दोनों की कंडीशन याद रखना, इक्वल सेट्स में डिट्टो सेम होने चाहिए सब कुछ, सब कुछ डिट्टो सेम, एलिमेंट्स भी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी, एलिमेंट्स भी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी। इक्विवेलेंट सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंदर क्या डला हुआ है, ठीक है, अल्फाबेट डले हुए हैं, नंबर्स डले हुए हैं, कुछ भी डला हो, ठीक है, बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन कम से कम करनी है, और फिर इनके जब मिक्स क्वेश्चन आएंगे तब थोड़ी सी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, तो ध्यान से करना है। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा टर्म आता है वो है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। ये भी बिल्कुल नाम से पता चल रहा है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। सबसे पहले बात करते हैं फाइनाइट सेट की। फाइनाइट का हमें वैसे नॉर्मल मीनिंग पता है कि समथिंग विच इज काउंटेबल, तो बिल्कुल यही मतलब है, सेट्स के अंदर जो भी हमारे एलिमेंट्स या मेंबर्स होते हैं अगर वो काउंटेबल है या उन्हें हम काउंट कर सकते हैं या वो फाइनाइट है तो हम उन्हें बोलेंगे फाइनाइट सेट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू 100, तो क्या ये फाइनाइट सेट होगा? तो देखो मैंने 1 से स्टार्ट करा और 100 तक उसे रोक दिया, तो डेफिनेटली 100 नंबर्स है अंदर और नेचुरल नंबर्स सारे, मैंने कोई डेसिमल फ्रैक्शन कुछ नहीं लिया, तो सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स अप टू 100 या लेस देन इक्वल टू 100, ठीक है, तो ये फाइनाइट है, हम काउंट कर सकते हैं, मैंने एक स्पेसिफिक वैल्यू दे दी कि 100 नंबर्स है, तो दिस इज अ फाइनाइट सेट, ठीक है। द सेट्स इन विच, सेट्स इन विच एलिमेंट्स, सेट्स इन विच एलिमेंट्स आर फाइनाइट और काउंटेबल आर कॉल्ड फाइनाइट सेट्स, ठीक है। नेक्स्ट, अब इनफाइनाइट का क्या होगा? बिल्कुल जस्ट उसका ऑपोजिट, कि जिसमें जिस सेट्स में जो एलिमेंट्स दे रखे हैं हमें वो इनफाइनाइट हो या अनकाउंटेबल हो, हमें नहीं पता उसमें कितने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, सेट्स इन विच एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल, वी कैन नॉट काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, तो उनको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट्स, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ए दे रखा है, मैं सेम टू सेम एग्जाम्पल लूंगा, थोड़ा सा चेंज करूंगा, जैसे वहां पे मैं लिया था 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे मैं डॉट 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 खत्म ही कर रहा हूँ, मतलब डॉट डॉट मतलब चले जा रहा है, नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे और नेचुरल नंबर्स का क्या एंड होता है हमें कुछ नहीं पता, ठीक है, इन्फिनिटी तक जाते हैं, मतलब कितना ही बड़ा नंबर हो सकता है, 999, 4×9, 5×9, ये चलता चला जाएगा। तो अब इसकी कोई सीमा ही नहीं है, हमें पता ही नहीं कितने नंबर सही है,
इसलिए ये बन गया एक इनफाइनाइट सेट। अब इसी पे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल सिंपल, वन मार्क टू मार्क, जैसे सेट ऑफ ऑल द ऑड प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ ऑल द ऑड प्राइम नंबर्स। एक तो सारे प्राइम नंबर्स पहले से ही ऑड होते हैं, बस एक इवन प्राइम होता है टू, अगर उसको भी हम छोड़ दें तो थ्री से अगर स्टार्ट करें, थ्री फाइव सेवन, अभी लाइन चलती चली जाएगी, उसने कोई हमें लिमिट थोड़ी दी, इसलिए क्या है ये इनफाइनाइट, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं सोचना, ठीक है। अगर चलते चले जा रहे तो इनफाइनाइट, या फिर अगर फाइनाइट दे रखे, काउंटेबल दे रखे, कोई लिमिट दे रखी है, तो हम उसे बोल देंगे फाइनाइट सेट्स। बस इन दोनों में यही डिफरेंस है, और हमें इसी तरीके से इनका बस नाम देना होता है, और कुछ नहीं पूछा जाएगा इससे ज़्यादा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे अगर मैं आपको अब जैसे फाइनाइट इनफाइनाइट दोनों बता दिए, एक रैंडम क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको बताना है कि ये फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है। सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। एक सर्कल लिया, कोई भी रेडियस का ले लो, ठीक है, कितना ही बड़ा कितना भी छोटा, उसमें सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स, उसमें मैं कितने पॉइंट्स मार्क कर सकता हूँ, ठीक है, या उसके अंदर मान लो, या उसके सर्कमफेरेंस मान लो, कुछ भी क्वेश्चन ले सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा, अब अगर अंदर लेंगे तो अंदर भी कितने इनफाइनाइट पॉइंट्स आप मार्क कर सकते हो, सर्कमफेरेंस में भी इनफाइनाइट पॉइंट्स मार्क कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। तो जितनी भी मैंने आपको अभी तक टर्म्स बताई हैं उसके बेस पे आप क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें लिखा है शो दैट फाइव और कर्ली ब्रैकेट्स में जीरो, मतलब एक सेट एंड खाली जीरो आर डिफरेंट, प्रूव करने हैं ये, ठीक है। तो इसका कोई ऐसे लंबा चौड़ा प्रूफ नहीं है, बस हमें तीनों के बीच में डिफरेंस बताना है। तो हमें एक दे रखा है फाइव और एक देखा है कर्ली ब्रैकेट्स में जीरो और एक दे रखा है खाली जीरो। सबसे पहले जीरो के बारे में बात करते हैं, जीरो क्या होता है हमारे लिए, अगर हम इलेवंथ को ही भूल जाए, टेंथ तक हमारे लिए क्या था, जीरो इज अ नंबर। तो जीरो इज अ नंबर, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। पर अब यहाँ तो सेट पढ़ रहे हैं, तो सेट के बारे में क्या ख्याल है, अब सेट तो तब बनता ना जब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बनाते, तो दिस इज नॉट अ सेट, दिस इज नंबर नॉट अ सेट, इसके लिए बात खत्म। ऊपर आ जाते हैं, अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स तो बने हुए और अंदर जीरो लिखा हुआ है, और मैंने इससे पहले ही थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर अंदर कुछ भी लिखा हो, ठीक है, जीरो लिखा हो, माइनस वन वन कुछ भी लिखा हो, तो जीरो इज ऑल्सो एन एलिमेंट, और अगर एक एलिमेंट लिखा है तो ये सिंगलटन सेट हो गया एक तरीके से। तो ये बिल्कुल एक सेट है, सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट, सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट, ठीक है। और अब बचा है फाइव, फाइव को हमने अलग से नाम दिया ही था, एम्प्टी सेट। फाइव का एक और हमारे पास सिंबल था जिसको हम खाली इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, मतलब खाली सेट, तो इसके लिए नाम होंगे एम्प्टी सेट। ये तीनों डिफरेंस हमें बताने थे बस इसमें, कि इस तरीके से तीनों डिफरेंट है, इनमें से कुछ भी या कोई भी दो सेम नहीं है, ये गलती कहीं मत करना, ठीक है, कि तीनों बराबर से लग रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन, ए दे रखा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू फोर, और बी दे रखा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब यहाँ तक तो बिल्कुल क्वेश्चन पूरा सेम है, और यहाँ भी सेम है, बस यहाँ पे साइन बदल दिया है थोड़ा सा, वहाँ पे लिखा है लेस देन इक्वल टू फोर, यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर। तो बताना क्या है, बताना इसमें यह है कि इक्वल सेट्स हैं या नहीं, इक्वल सेट्स और अनइक्वल सेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दोनों का आंसर लिख लेंगे, अगर सारे एलिमेंट्स मैच हो गए तो हम बोल देंगे इक्वल है, अगर एलिमेंट्स मैच नहीं हुए, डिटो सेम नहीं हुए, तो हम बोल देंगे अनइक्वल सेट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, ऊपर लिखा है एक्स स्क्वायर, मतलब किसी का भी होल स्क्वायर, किसी का भी होल स्क्वायर, और वो इंटीजर्स होने चाहिए और फोर से छोटा होना चाहिए, मतलब फोर से छोटे सभी का स्क्वायर जो भी आता हो इंटीजर्स में वो हमें सारे लिखने हैं, जैसे, और वो इक्वल टू फोर भी हो सकता है। तो इंटीजर्स मैं टू से ही ले लेता हूँ, टू का स्क्वायर फोर, और फिर उससे पीछे के नंबर्स ले लेंगे सारे, तो टू का स्क्वायर फोर हो गया, एक तो टू आ गया, फिर टू से पहले इंटीजर वन, वन का स्क्वायर वन, तो वन भी वैलिड है, वन से पहले जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो इज लेस देन फोर, ये भी ट्रू है। जीरो से पहले क्या आता है, जीरो से पहले माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर भी वन होता है, तो ये भी कंडीशन ट्रू है। फिर माइनस वन से पहले माइनस टू, माइनस टू डालेंगे तो माइनस टू का स्क्वायर फोर, फोर इज लेस देन इक्वल टू फोर लिखा है, तो लेस देन तो नहीं होता पर इक्वल टू होता है, तो ये भी कंडीशन ट्रू हो गई, तो माइनस टू भी आ गया। अब माइनस टू से पीछे जाऊँगा तो माइनस थ्री, माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन इज नॉट लेस देन इक्वल टू फोर, तो वहाँ पे हम रुक जाएंगे। तो ये आंसर होगा इसका, पहले वाले का, माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू। अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर,
यहाँ पे इक्वल टू साइन दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स की दो वैल्यूज आ गई, या तो टू या फिर माइनस टू। तो यहाँ पे दो आंसर्स आएंगे, टू या माइनस टू, या आप डायरेक्ट लिख सकते हो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस टू। ठीक है, ये इसका पूरा प्रोसेस था अगर पूरा सॉल्व करके दिखाना है तो। ठीक है, अब साफ साफ दिख रहा है कि इसमें पांच एलिमेंट्स हैं और इसमें दो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये दोनों मैच तो हो रहे हैं, पर बाकी सारे एलिमेंट्स कहाँ हैं? सारे के सारे एलिमेंट्स मैच होने चाहिए, डिट्टो सेम, इसलिए ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये इसका आंसर है, अनइक्वल सेट से ही है। ठीक है, थर्ड देखते हैं, री राइट द फॉलोइंग इज सेट नोटेशन, इससे बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं हमारे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना, ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब ये एक एलिमेंट दे रखा है ए, जैसे हम सेट में लिखते हैं ए बी सी डी वैसे, और ये सेट ए को बिलोंग कर रहा है, सेट ए के अंदर है तो बिलोंग करेगा ना, और इसके लिए मैंने शुरू में बताया था कि ए बिलोंग्स टू ए, तो सेट नोटेशन में इस लाइन को लिखना था, इतनी बड़ी सी लाइन को मैंने इतने छोटे से में लिख दिया। ठीक है, वही लिखा है सेट नोटेशन, इसे ही बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, अब बी सेट ए का एलिमेंट नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इस तरीके से हमें सारे ही लिखने हैं। ठीक है, ए इज एन एम्प्टी सेट, ए इज एन एम्प्टी सेट, तो हम क्या लिखेंगे, ए इज एन एम्प्टी सेट, ए इज इक्वल टू फाइव, आई क्या लिखा है, बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट, और पर बी नॉन एम्प्टी नहीं है, अब नॉन एम्प्टी के लिए तो हमने कुछ नहीं सीखा था, फिर क्या लिखे, हम क्या करेंगे, बी के सामने फाइव लिखेंगे पर इक्वल टू पे क्रॉस कर देंगे, ये हमारा आंसर सी का, ये बी का, इस तरीके से अगर बोला एम्प्टी सेट तो फाइव लिख दिया, नॉन एम्प्टी बोला है तो फाइव लिखेंगे दोबारे और इक्वल टू पे क्रॉस कर देंगे कि फाइव बिल्कुल नहीं है, तो फाइव नहीं है तो क्या है, नॉन एम्प्टी होगा, कुछ भी हो सकता है। फिर वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज सिक्स, तो इसके लिए हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज सिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज सिक्स, ये सेट नोटेशन हमें लिखनी है। ठीक है, लास्ट जीरो इज एन होल नंबर, जीरो इज एन होल नंबर, तो जीरो बिलोंग्स टू होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर, तो जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इस तरीके से लिखना है, जीरो होल नंबर को बिलोंग करता है, तो जीरो बिलोंग्स टू होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर, तो इसलिए जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट बताना है बस। ठीक है, तो दे रखा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, जीरो से वन के बीच में सारे नंबर्स, तो ज़्यादातर हम में से कई बच्चे 90% बच्चे पहली बार में देख के जीरो से वन के बीच में क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, तो इसलिए लिख देते हैं फाइनाइट सेट या एम्प्टी सेट लिख देते हैं सीधा कि कोई नंबर ही नहीं है। ध्यान से देखो, यहाँ रियल नंबर्स लिखा हुआ है, रियल नंबर का मतलब क्या होता है, रैशनल इरैशनल सब आ गया इसके अंदर, डेसिमल फ्रैक्शन सब कुछ, इसका मतलब 0.001 क्या इसके बीच में लाई नहीं करेगा, 0.00001 वो भी इसके बीच में लाई करेगा, तो ऐसे मैंने कितने सारे डेसिमल लगा लिए और कुछ छोड़ भी दिए, तो चार डेसिमल, पांच डेसिमल, छह डेसिमल सब लगा सकता हूँ और फिर काउंटिंग चलती चली जाएगी। इसका मतलब जीरो और वन के बीच में जिसमें हमें लग रहा था कोई नंबर नहीं होगा उसके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स है, हम काउंट भी नहीं कर सकते ना, हम लिख भी नहीं सकते पूरे पूरे, कितने मर्जी डेसिमल ले सकते हो। ठीक है, इसीलिए ये किसका एग्जाम्पल है, इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है, इनफाइनाइट होगा तो मैं आई एस लिखूंगा, ठीक है, और फाइनाइट सेट होगा तो मैं एफ एस लिखूंगा। सेट ऑफ ऑल द लीव्स ऑन अ ट्री, ज़्यादातर बच्चे इसे भी इनफाइनाइट सेट लिख देते हैं जल्दीबाजी में, अरे एक पेड़ दे रखा है उस पर लीव्स कुछ काउंटेबल है ना, हमें काउंट करने में टाइम लग सकता है और हम करना भी नहीं चाहते, इसीलिए थोड़ी हम कह देंगे इसे इनफाइनाइट सेट, पर काउंटेबल तो है ना, ऐसा नहीं कि उसमें बढ़ते चले जा रहे हैं, हम तोड़ते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं, तो दीज आर फाइनाइट सेट, दिस इज अ फाइनाइट सेट, हम उसे काउंट कर सकते हैं, ठीक, किसी हद तक, अगर हम पूरा दिन लगा दें, दो दिन लगा दें, काउंट कर लेंगे लास्ट तक। ठीक है, मुश्किल है पर ऐसा नहीं कि नामुमकिन है, इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता, उसमें बढ़ते चले जा रहे हैं, इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर, x इज लेस देन वन, तो इंटीजर दे रखा है। ठीक है, अगर नेचुरल नंबर दे रखा होता तो वन से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं, हम लिख देते हैं एम्प्टी सेट, ज़्यादातर बच्चे ये भी गलती करते हैं, यहाँ पे इंटीजर लिखा हुआ है, वन से छोटे क्या क्या इंटीजर होते हैं, जीरो माइनस वन माइनस टू, पूरी लाइन पड़ी है पीछे कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, इसीलिए ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट, ध्यान से आंसर देने हैं बस। सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, अब ये प्लेन किसे बोलते हैं, प्लेन मतलब जैसे अगर हम कॉपी की बात करें तो वो होता है हमारा 2D प्लेन, जिसमें x कोऑर्डिनेट्स होते हैं और y कोऑर्डिनेट्स होते हैं, मतलब कोई चीज़ उसमें हवा में नहीं आ सकती, हवा में नहीं आ सकती मतलब, जैसे
ये पेन अगर मैं छोड़ रहा हूँ या मेरे हाथ में है, तो इसका कुछ पार्ट हवा में भी है, या रियल टाइम ऑब्जेक्ट्स को हम 3D ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जैसे 3D मूवी देखने जाते हो वैसे ही। तो रियल टाइम ऑब्जेक्ट्स हमारे 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और कॉपी पे जो होते हैं वो 2D ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो 2D प्लेन होता है ऐसे ही 3D प्लेन, कॉपी पे कुछ कर रहे हैं तो 2D प्लेन, हवा में कुछ कर रहे हैं और रियल टाइम ऑब्जेक्ट के साथ कुछ कर रहे हैं तो 3D प्लेन, ठीक है। वो प्लेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उस प्लेन में कितने ट्रायंगल्स हमारे बन सकते हैं, तो चाहे 2D का क्वेश्चन हो या 3D का क्वेश्चन हो, ठीक है। तो कितने ट्रायंगल्स पॉसिबल है, इनफाइनाइट ट्रायंगल्स पॉसिबल है। जैसे ये रूम भी एक प्लेन है, कौन सा प्लेन है, 3D प्लेन है, क्योंकि रूम कैसा है, यहाँ पे मैं 3D ऑब्जेक्ट्स ही रखे हुए सब, तो इसकी बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं, इनफाइनाइट ट्रायंगल्स, ऐसा कोई फिक्स तो नहीं है कितने ट्रायंगल्स बनेंगे। इस बोर्ड पे कितने बन सकते हैं, इनफाइनाइट, कितने छोटे बना लो कितने बड़े बना लो, बनाते जाओ, एक के ऊपर एक बनाते हो, एक के अंदर ही 10 बना दो। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। तो आज हम जो भी क्वेश्चंस करें इनको एक बार ध्यान से देखना, एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करना, कोई भी डाउट हो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, 24 आवर्स के भीतर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे, सबसेट्स, और उसके बारे में और भी अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू ऑफ क्लासेस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।